भंडारे में बन रही है तमाम चीजें जो कि खाने में काफी बढ़िया लगती है। भंडारे का तो भंडारे वाला ही होता है टेस्ट, और वो काफी मतलब क्या कहते हैं रिचलेस, मतलब वो टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता तो भंडारे में मिलता है। तो मेहरबान कदरदान शुक्रिया आप सभी का आज तक ब्लॉग में बने रहने के लिए, और आप देख रहे हैं एच वाई ब्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर यश शर्मा। कोटद्वार में आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एकदम स्वागत है, क्योंकि मैं कोटद्वार पहुंच चुका हूं। कल ही पहुंच गया था, आने का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, पर कोटद्वार पहुंचने का ब्लॉग मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो भाई साहब कोटद्वार पहुंच के काफी बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है, क्योंकि भाई कोटद्वार की तो हवा पानी ही काफी अलग है। वो आपको कोटद्वार में जीने का तरीका बता देती है कि कोटद्वार में कैसे रह सकते हैं और कितने सिंपल तरीके से रह सकते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब कोटद्वार आने के बाद काफी कूल सा महसूस होता है, फ्री, एकदम स्ट्रेसलेस, स्पीचलेस, सब बातों का तोड़ है उत्तराखंड का कोटद्वार। तो आओ देखो, काफी बढ़िया बेहतरीन जगह, आपको काफी आनंद आएगा। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम कोटद्वार से। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मार्केट काम से, काफी काम करने, मेरे को अपनी सिम पोर्ट करवानी, क्योंकि गांव में जब चला जाता हूँ तो मेरी आइडिया की सिम हो जाती है बंद। वहाँ ओनली ऑन खाली चलती है एक जियो, उसके बाद वहाँ कोई सिम नहीं चलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी आइडिया की सिम को पोर्ट करवा के, और मैं जियो में करवा लेता हूँ आइडिया की सिम को पोर्ट, है ना। और बाकी एक आध काम और है वो भी निपटाने हैं। मेरे पास बाइक है नहीं, पहले मैं सोचता था बाइक से आ जाता हूँ कोटद्वार, पर नहीं, गाड़ी से ही चलते हैं। तो भाई गाड़ी से हम कोटद्वार आ चुके हैं, और फिलहाल के लिए अब कोटद्वार में आने के बाद तो मजा ही आ जा खैर। और कल दशहरा भी था, तो हमने अपना दशहरा पूछ के निकल गए थे, और रात को मैं सोचा था जरा एक चक्कर मार लिया था कोटद्वार में दशहरा का, पर क्या करें 6:30-7 बजे के अप्रोक्स हम पहुंचे थे कोटद्वार, तो वो भी मिस हो गया। खैर उन सभी को साइड में रखते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। और हमारे एक मित्र और आए हुए हैं, मित्र क्या छोटे भाई हैं अपने, डॉक्टर हेमंत है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो उनका लड़का है मिस्टर गुटरू, जानते होंगे श्रीजय, काफी बार ब्लॉग में हमारे साथ आपको देखा होगा उसको। तो ठीक है, तो उससे भी मिलेंगे, वो भी फिर कल परसों में देहरादून चला जाएगा, वो भी इसका भी कॉलेज है मतलब देहरादून में। तो खैर बाकी फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा। और बाकी तो बस यही है कि सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं 1200, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 1200 सब्सक्राइबर करने के लिए। अब जल्दी जल्दी से वॉच टाइम और मेरा इंक्रीज कर दो, उसके बाद जो मजा आएगा वो आप ही जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो कैरी ऑन करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तब तक के लिए दोबारा से कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए। अरे बस कर भाई, लगता है भंडा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। हमारे कोटद्वार वाली जनता भी पता ना कैसी बेवकूफ है, चलाने का शऊर है नहीं, चलाने का शऊर तो खैर हमारी जनता में है ही नहीं। अब पता ना कि गलती किसकी है, छोटे की है जन बड़े की है, तोड़ फाड़ के और सब ऐसे ही घूमे है। जनता मतलब भागने की जल्दी रहे, इतनी जल्दी भागने की जल्दी रहे कि चाहे सुसरे अगले मोड़ पर निपट जा, पर ना जल्दीबाजी में निकलना। पर खैर क्या कर सकते हैं, दुनिया जालिम है, मानती ही नहीं है। पर खैर हमारे जियो का काम हो चुका है, मेरी आइडिया की सिम होगी पोर्ट, अब ये 3 दिन में जाके अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी जियो में, मतलब 3 दिन का टाइम पीरियड है, उसके बाद मेरी आइडिया की सिम जो है जियो में पोर्ट हो जाएगी। फिर मैं अपने दूसरे नंबर को बंद कर दूंगा जो मेरा 987 वाला है, और फिर मैं अपने जो सिम दोबारा पोर्ट करवाई है मैंने आइडिया की जियो में, तो वो नंबर कैरी ऑन रखूंगा 7466 वाला, पहली बता रहा हूँ सबको, 7466 वाला जो मेरा नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा, और बाकी जो मेरा दूसरा वाला नंबर है पुराना वो बंद हो जाएगा। तो संपर्क करने के लिए 7466 वाले नंबर पे संपर्क करें, ठीक है। तो अब मैं जरा अपना दूसरा जो काम है वो निपटा लेता हूँ, उसके बाद शाम को शायद हो सके सिद्धबली पहुंचू, ठीक है। तो लेट्स सी। 2 hours later. Go guys, again we are going somewhere beautiful place. Beautiful place is our Kotdwar. My English is very dangerous. So beautiful place in Kotdwar is our Jhanda Chowk Market.
also I am going there for taking ration for our machines, for JCB operators. That's it. And we will meeting with Gutru Sri Jay Pratap Singh Bisht, came from Dehradun. ठीक है, तो इतना ही बहुत है। तो भाई गुटरू आया है तो उससे मिलेंगे, अवश्य मिलना होगा। तो फटाफट से मैं निकल जाता हूँ। अब अपने पहले तो लेना है राशन, और मशीन के लिए राशन लेना है क्योंकि साइड पे काम कर रही है मशीन, तो ऑपरेटर के लिए खाने के लिए भी राशन चाहिए, तो राशन लेना है। उसके बाद गुटरू से मिलेंगे। मौसम काफी बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा हो चुका है सारे में। क्या रेट है आलू? अरे है तो 30 रुपए किलो, आपको तो वही लगा 125 का पाव। 30 हो गए गोभी, 30 हो गया आलू, 30 हो गए गोभी, 30 हो गया आलू। यार काम बढ़िया करा लोगों ने। एवरीथिंग इज ऑल सेट, राशन भी आ गया, और अब मैं निकल लूं घर की तरफ। घर की तरफ नहीं, सॉरी, श्री जय के पास। 1975 में ये देखो हमारे गुटरू साहब आ रहे हैं, और इन्होंने बड़ा ही परेशान किया है, पर खैर इनके अभी रुक जाए, इनको आने दे जब बात करता हूँ। हमारे गुटरू भाई, भाई साहब इतने मतलब कमाल के आदमी है ना, अभी रुक जाए, इसको आ जान दे। यस बॉस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आजा आजा भीतर आजा। आ गए बॉस। हेलो जी। इतना 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 परेशान करते हैं ना भाई साहब, हमें बहुत परेशान, तरसा देते हैं मिलने के लिए। अरे बस हो ही गया, कोई बात नहीं। और सुनाओ क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भैया, बस आजकल थोड़ा बिजी हो रखे हैं, कॉलेज वॉलेज। आफ्टर लॉन्ग टाइम चटोरा पहाड़ी पे आए हैं भाई, बहुत दिन बीत गए हमारे गुटरू भाई के साथ। छुट्टियां मिली हैं अभी, लुप्त उठाए छुट्टियों का भी बढ़िया करके, अब जाके हमारे सामने फ्रेंच फ्राइज और हॉट हॉट टी, एक मीठी एक फीकी। ये शुगर फ्री वाले भाई है, डाइट कॉन्शियस। बढ़िया है, काफी दिन बाद इन हाई मिर्ची, और भाई साहब ने कराए कबाब और मोमोज। नोटिफिकेशन पढ़ लेना यहाँ की, नोटिफिकेशन है हाँ, कोलैबोरेशन होगी इनके साथ। तो कह रहा मैंने नोटिफिकेशन पढ़ ले, बढ़िया। जय श्री राम भाई, बहुत बहुत आभार आपका आने का। मिल रहे फिर? मिल लेगा तो तू देहरादून आ जाओ आप, है? एक दफा गलती है, देहरादून आ जाओ यार। ये वो कहाँ पे? ढाई घंटे दूर है यार, ढाई घंटे दूर है, तो बनाएंगे जल्दी प्रोग्राम। ठीक है भाई, ओके भाई। तो मित्रों आज का हमारा जो एपिसोड था वो हुआ समाप्त। गुटरू साहब को हमने छोड़ दिया उनके घर, और अब हम भी निकल गए अपने घर को। तो भैया आज ब्लॉग में इतना ही था, और इतना भी बहुत है, काफी है इतना भी। मैं सोच रहा हूँ आप ब्लॉग धीरे 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 अपना कंटिन्यू तरीके से बनाऊं, तो मैंने थोड़ा सा शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आप रुको जरा, थोड़ा सा सबर करो, इतनी जल्दी वीडियो को एंड थोड़ी कर देंगे, थोड़ी एक चीज दिखानी है तो उसको देख लो पहले। तो भाई अपने मंदिर में चलेगा कल भंडारा, सुबह से चालू हो जाएगा, और सारा सेटअप तैयार है मंदिर का हमारे का, तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों से। भंडारे में बन रही है तमाम चीजें जो कि खाने में काफी बढ़िया लगती है। भंडारे का तो भंडारे वाला ही होता है टेस्ट, और वो काफी मतलब क्या कहते हैं, स्पीचलेस, मतलब वो टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता जो भंडारे में मिलता है। और भंडारे में बन रही है तुम्हारी पेठे की सब्जी, और शायद मेरे ख्याल से आलू है या फिर छोले हैं, ये कंफर्म नहीं है।
और बन रही है पूरी, और बन रहे हैं तुम्हारा रायता, और बन रहा है हलवा। तो मतलब ये चार पांच चीजें जो बेसिकली बनती है, और काफी मतलब अच्छा सा लग रहा है, मतलब कि कुछ हम भी कुछ योगदान करें अपने मंदिर के लिए। तो भाई ये हमारा प्रोग्राम है, तो ये कल सुबह शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से 9 बजे के अप्रोक्स। तो बाकी यही है, अब टाइम मेरे ख्याल से हो रहा है 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, और हलवाई सारे अपना खाने पीने में लग रहे हैं, उन्होंने अपना खाना बना के खा लिया है, और अब जो मतलब आधा कच्चा टाइप का सा रहता है तो उसको बना के अभी तैयार कर देंगे, बाकी सुबह चालू हो जाएगा। तो कल का व्लॉग हमारा कल आएगा, भंडारे वाला कल बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही है, तो ठीक है, तो फिर सुबह मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।